आमतौर पर ये कहा जाता है कि चावल के उत्पादन में बहुत पानी लगता है, करीब 1 किलो चावल पैदा करने में 3,000 लीटर पानी लगता है। बात सही है। और धान की व्यापक स्तर पर खेती होने से रोपाई विधि के द्वारा जो पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य हैं वहाँ पर जल का स्तर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब धान की सीधी बिजाई के ऊपर जोर दिया जा रहा है, लेकिन धान की सीधी बिजाई में सबसे बड़ी समस्या खरपतवारों की आती है। खरपतवारों का अगर सटीक तरीके से नियंत्रण हो जाए तो धान की सीधी बिजाई से हम ऐसी ही पैदावार प्राप्त कर सकते हैं जैसा रोपाई विधि से होती है। इसके अलावा धान की रोपाई में जो 3,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च होता है वो बचता है और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो धान की सीधी बिजाई में करीब 35% कम होता है। पानी की करीब 5 से 6 सिंचाई की बचत होती है। तो सब मिलाकर के धान की सीधी बिजाई बहुत ही अच्छी तकनीकी है जो कि हमें आगे ज़्यादा से सफल में लेकर के जाना है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की है उसका नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने धान की 2 किस्में विकसित की हैं बासमती धान की। एक पूसा बासमती 1979 है और दूसरी है पूसा बासमती 1885। इन दोनों किस्मों में खरपतवार नाशी दवा के प्रति रोधी क्षमता का विकास किया गया है। आप हमारी बाईं तरफ देख रहे हैं पूसा बासमती 1121 का खेत है जिसमें बिजाई के करीब 18 दिन बाद खरपतवार नाशी दवा इमिडाजोलिन का छिड़काव किया गया था जिससे इसमें खरपतवार भी मर गए हैं और धान भी मर गया है। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं पूसा बासमती 1979 जो 1121 का सूत्रावा रूप है और इसके अंदर हमने खरपतवार नाशी दवा के प्रतिरोधी क्षमता रखने वाले जीन का प्रारोपण किया है और उसके प्रभाव से इस फसल के ऊपर भी खरपतवार नाशी दवा इमिडाजोलिन का छिड़काव किया गया था, लेकिन इसमें खरपतवार तो सभी मर गए हैं लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस प्रकार से इन किस्मों का प्रयोग करके हम धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दे सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं और धान की खेती में कुल लागत जो आती है उसमें भी कमी ला सकते हैं। ये एक नई क्रांति की ओर कदम होगा।